बड़ी एक उदाहरण है योगी राज में जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात चलती है, ये होना जरूरी था। आप देखिए 2019 में हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब 2024 में यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है। एक स्टेट के अंदर से जनता का डर निकाल देना जो वहां रह रही है कि यहाँ माफिया नहीं है, यहाँ गुंडा राज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी तब आएगी, व्यापार तब आएगा जब यहाँ का व्यापारी सेफ होगा, यहाँ की बहन बेटियां सेफ होगी। और महाराज जी के राज में ये उत्तर प्रदेश ने देखा भी है, इसीलिए दोबारा रिपीट किया। और पूरे आज देश के अंदर, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, हमारे पंजाब में भी योगी जी की डिमांड है। तो आप इससे समझिए कि जो माफियाओं की कमर तोड़ने की बात और जो काम किया जा रहा है, ऐसा होता रहना चाहिए। क्योंकि जो किसी को जीने नहीं देना चाहता, भारत हमेशा कहता है जीने और जीने दो की राह पे चलो। ये परमहंस की धरती है, संतों की नगरी है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जहां पर ये इस तरीके के गैंगस्टर हों तो उनका खात्मा होना जरूरी है। हाँ, जो मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, वो जेल में थे और तबीयत खराब हुई और अस्पताल में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। अपराधी का कभी शोक नहीं मनाया जाता। ये भारत ही है जहाँ गैंगस्टर की फोटो पर भी लिखा होता है कि स्वर्गवास हो गया। जिन्होंने इतना कुछ किया तो संतों का क्या होता है? जो संत पूरे देश को चलाते हैं उनका भी स्वर्गवासी लिखते हैं और गैंगस्टरों का भी स्वर्गवास लिखते हैं। ये कैसी मिथ्या है, इसको खत्म किया जाए। और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो जग जाहिर है और ऐसे ही होते रहना चाहिए। कि जो इस तरीके का देख रहे हैं पिछले 10 साल से, वैसे अगले 20 साल तक देखना चाहेंगे। जी मैं तो रोज लड़ता रहता हूँ साहब। कोई मेरे से कहता है कि जो राम को लाए तुम राम को लाने वाले कौन हो, तो मैं तो उनसे भी लड़ता रहता हूँ। कोई मुझे कहता है कि तुम मोदी योगी की बात क्यों करते हो, हम तो उनसे भी लड़ते रहते हैं। हमारा कार्य है सनातन का, लोगों को जो सनातनी है उनको जागरूक करना कि किस तरीके की सरकार हमें चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो कार सेवकों पे गोली चलाती है, या हमें वो सरकार चाहिए जो राम भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है? ये आपके सामने परिणाम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।